कारों की सेल तो बढ़ने लगी है, लेकिन इस सेल्स का असर क्या है, किसकी बढ़ी है, किसकी घटी है, किस कंपनी ने उठान पाई है, कौन सी कंपनी नीचे लुढ़की है, सारी बातें होती हैं इस अगस्त मंथ की सेल्स रिपोर्ट में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करता हूं आपसे क्या है कंपनीज की सेल्स फिगर, फिर उसके बाद बात करूंगा कौन सी कार ने चौके छक्के मारे हैं। शुरुआत 14 नंबर यानी पीछे से शुरू करते ताकि एक्साइटमेंट बना रहे आपके मन में भी। और 14 नंबर जो कि इंडिया की चौथीवीं कंपनी है FCA जीप ग्रुप, जिसे फीट ग्रुप कहते रहे हम लोग, वह 468 यूनिट उन्होंने बेची है पिछले साल के मुकाबले। अगस्त मंथ में ही 23% सेल कमाई है। 13 नंबर पर है निसान 810 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले 42% नीचे आई है सेल इनकी। 12 नंबर पर है स्काडा और 1003 यूनिट इन्होंने बेचे हैं पिछले साल के मुकाबले, यह भी 14% के आसपास कमाई है सेल। 11 नंबर पर है फॉक्सवैगन 1470 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले 36% की सेल इनकी गिरी है। 10th नंबर की MG मोटर्स 2851 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 41% सेल इनकी इंक्रीज हुई है। 9th नंबर पर है फोर्ड 4731 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले सेल इनकी 14% कम हुई है। अब 8th नंबर का आता है टोयोटा 5555 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 48% सेल घटी है। माय गॉड, जबकि इसमें ग्लेंजा शामिल है जो कि टोयोटा की है ही नहीं। गुड। 7th नंबर पर है होंडा 7509 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 9.4% सेल इनकी गिरी है। 6th नंबर पर है रेनो मोटर्स, रेनो की सेल जो है वो 8060 यूनिट बेचे हैं उन्होंने अगस्त मंथ में, जबकि पिछले साल अगस्त मंथ में बेचे थे, उसके मुकाबले 41% सेल बढ़ी है। 5th नंबर पर है किया 10853 यूनिट, जबकि पिछले साल के मुकाबले इन्होंने 74% इंक्रीज हुई है सेल। 4th नंबर पर महिंद्रा 13407 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 2% की सेल बढ़ी है। गुड जॉब। 3rd नंबर पर है टाटा मोटर्स 18583 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 154% की सेल मिली है। ग्रेट जॉब। 2nd नंबर पर है हुंडई 45809 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले इन्होंने भी 20% की बढ़त पाई है। 1st नंबर पर है क्या नाम लूं, आपको पता ही है मारुति सुजुकी, सबको पता है, पिछले साल के मुकाबले इन्होंने 21% की सेल ज्यादा हुई है और 1,13,033 यूनिट बेचे हैं। अब आपसे बात करता हूं 25 कार कौन सी हैं जिन्होंने बेहतरीन सेल्स पाई है भारतीय बाजार में। 25th नंबर पर है एक्सेंट 3,228 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले 145% की सेल ज्यादा मिली है। 24th नंबर पर इग्निस 3,262 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले 147% की सेल ज्यादा हुई है। 23rd नंबर पर है स्कॉर्पियो 3,327 यूनिट और पिछले साल के अगस्त मंथ के मुकाबले 16% की सेल इंक्रीज हुई है। 22nd नंबर पर है क्विड 3,677 यूनिट और पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले 68% की सेल इंक्रीज हुई है। 21st नंबर पर होंडा अमेज और अमेज की सेल हुई है 3,684 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले इनको 19% की सेल कम हुई है। 20th नंबर पर है ट्राइबर 3,906 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले इनकी सेल 57% इंक्रीज हुई है। 19th नंबर पर है अल्ट्रोज 4,951 यूनिट, पिछले साल यह जुलाई अगस्त मंथ में बिकती ही नहीं थी इसलिए इसकी सेल्स फिगर मौजूद नहीं है। अब बात करते हैं 18th नंबर पर है नेक्सॉन टाटा मोटर्स की दूसरी कार 5179 यूनिट, यह पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले इसकी सेल हुई है 128% ज्यादा। ग्रेट जॉब। अब बात करते हैं 17th पोजीशन पर है एस्प्रेसो मारुति की 5312 यूनिट, पिछले साल इसकी सेल्स फिगर मौजूद नहीं थी इसलिए यही सेल्स फिगर मौजूद है। और 16th नंबर पर है महिंद्रा की बोलेरो 5487 यूनिट और पिछले साल के मुकाबले इनको 37% की बढ़त मिली है और इस बढ़त ने इस कार की सेल कंपनी की सेल्स पर भी असर डाला है। 15th नंबर पर है सुजुकी की सेलेरियो 5684 यूनिट और पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले 19% की सेल बढ़ी है। अधिकतर कारों की सेल बढ़ रही है जो कि एक
अच्छी खबर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, यानी कंज्यूमर को कार की जरूरतें अब महसूस होने लगी है आफ्टर कोविड। आफ्टर कोविड ओह स्टिल विद कोविड, ये कहना ज्यादा सही रहेगा। और 14 नंबर पर है टियागो, जो कि टाटा की सबसे अधिक बिकने वाली कार है, 5,743 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले 89% की सेल बढ़ी है, जो बहुत अच्छी फिगर है। 13 नंबर पर है विटारा ब्रेज़ा, 6,903 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले 3% की सेल गिरी है। 12 नंबर पर मौजूद है i20 एलीट, और पिछले साल के मुकाबले इसकी 10% सेल बढ़ी है, 7,765 यूनिट। मजे की बात तो यह है कि नई i20 आने वाली है, फिर भी पुरानी वाली रास्ता नहीं छोड़ रही है, कमाल की बात है। हाँ, उसकी वजह है कि नई वाली थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, इसीलिए लोग अच्छे डिस्काउंट रेट पे i20 खरीद ले रहे हैं। 11 नंबर पर है हुंडई की ही वेन्यू, 8,267 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले 12% सेल इसकी गिरी है। अब बात करता हूं 10th नंबर पर कौन सी कार है। टॉप 10 में 10th नंबर पर मौजूद है इको, 9,115 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले 5% की सेल इंक्रीज हुई है। 9th नंबर पर है आर्टिगा, 9,302 यूनिट, और पिछले साल अगस्त मंथ के मुकाबले इनकी 11% सेल इंक्रीज हुई है। 8th नंबर पर है होंडे की ग्रैंड i10, और 10,190 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, जबकि पिछले साल के मुकाबले इनको 8% की बढ़त मिली है। 7th नंबर पर है किया मोटर्स की सेल्टॉस, और 10,655 यूनिट इन्होंने बेचे हैं, पिछले साल इसी मंथ में बेचे थे इन्होंने से जो यूनिट 6,236 यानी 71% की बढ़त मिली है। 6th नंबर पर है बलेनो, 10,742 यूनिट, पिछले साल इसी मंथ में इन्होंने जो बेचे थे वो थे 11,067 यूनिट, यानी 3% की सेल गिरी है। 5th नंबर पर है होंडा क्रेटा, 11,758 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 96% सेल बढ़ी है, पिछले साल बेचे थे इन्होंने अगस्त मंथ में 6,001 यूनिट केवल। और ये थी होंडे की सबसे अधिक बिकने वाली कार क्रेटा। अब बात करते हैं टॉप 4 में कौन सी कार है। 4th नंबर पर है डिजायर, 13,629 यूनिट, पिछले साल के मुकाबले 3% सेल बढ़ी है, पिछले साल थी 13,274 यूनिट। 3rd नंबर पर है वैगन आर, 13,770 यूनिट, पिछले साल इन्होंने बेचे थे 11,402 यूनिट, यानी 21% सेल इनकी भी बढ़ी है। 2nd नंबर पर है आल्टो, 14,397 यूनिट, पिछले साल बेचे थे अगस्त मंथ में 10,123 यूनिट, यानी इसकी भी सेल 42% बढ़ी है। एंट्री लेवल कारों की सेल बढ़ी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि लोगों की डिमांड बढ़ने लगी है, और डिमांड की वजह से एंट्री लेवल कार ज्यादा बिक रही हैं। पहले नंबर पर मौजूद है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, 14,869 यूनिट, पिछले साल अगस्त मंथ में इन्होंने बेचे थे 12,444 यूनिट, 19% की सेल इसकी भी बढ़ी है। अगर आप मुझसे कहें कि क्या रही सेल्स की असेसमेंट, मेरा मानना है किया मोटर्स, मारुति और हुंडई, ये तीन कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कि टॉप 10 में अपनी जगह बना पाई है, बाकी कोई और मैन्युफैक्चर यहां पर एंटर नहीं कर पाया है। सबसे अच्छी सेल्स फिगर की अगर पॉजिटिवनेस की बात की जाए तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स ने टोटल सेल्स में काफी अच्छा बढ़त पाया है। टियागो की सेल भी इंक्रीज हुई है, नेक्सॉन की सेल्स भी इंक्रीज हुई है, और इन सबसे फायदा मिला है, और नई अल्ट्रोज आने का भी फायदा मिला है टाटा मोटर्स को। आपको सेल्स फिगर से क्या एहसास होता है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन पर, और अगले मंथ की सेल्स फिगर में कौन कौन सी नई कारें जुड़ने वाली है उनके बारे में भी कोई आइडिया देना ना भूलिएगा। मेरे साथ इस डेटा को शेयर किया था ऑटो पंडित के गौरव ने, और अगर आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, देखते रहिए आस्क कार गुरु।